गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे तुम लोग? मस्त, शाबाश। अपन चैप्टर टू पे थे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे। ठीक है, क्या पढ़ा था अपन ने? मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जनरल मतलब क्या पढ़ा था अपन ने? क्या समझा था? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब गाइडलाइंस। मैनेजमेंट के अंदर कुछ गाइडलाइंस इश्यू करी है, जिन गाइडलाइंस को मैनेजर फॉलो करता है डिसीजन मेक करने के लिए। सिंपल था, ठीक है। उसके बाद में अपन ने कुछ इसके नेचर्स पढ़े थे, मतलब कुछ फीचर्स पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। क्या थे वो फीचर्स बताओ? जनरल गाइडलाइंस बराबर, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, हर जगह पे एप्लीकेबल होता ही है, वैलिड होने की बात नहीं कर रहे हैं, एप्लीकेबल होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। वहां पे अगर अपन ने यूनिवर्सल एप्लीकेबल की जगह पे यूनिवर्सल वैलिडिटी लिख दिया तो गलत होगा ना, समझते ना अपनी चीज, क्योंकि ये वैलिड नहीं है यूनिवर्सल, ये अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं अपन। ठीक है, आगे क्या था? फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। गाइडलाइंस कैसे बनी थी? प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स के साथ में। ठीक है, फ्लेक्सिबल था, सुना था अपन ने। बिजनेस चेंज होते होते यहां हर एक जगह पे अपनी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज होता है। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा बिहेवियरल है, इसलिए वो फ्लेक्सिबल भी है। एक और क्या था? कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के बीच में वो कंप्लीट करता है चीज। अपन ने एग्जाम्पल लिया था बर्थडे का, याद है? ठीक है, बराबर। आगे क्या था? कंटिंजेंट, किसी ना किसी पर डिपेंडेंट है। जैसे बोनस का अपन एग्जाम्पल लिया था कि बोनस एक बोनस एक्ट पे डिपेंडेंट है, तो जैसे ही एक्ट चेंज होगा बोनस भी बढ़ेगा, बराबर है? ठीक है, अपन कल तक ये सब चीजें पढ़ चुके थे। उसके बाद अपन फेयोल बाबा की प्रिंसिपल्स पे आए थे। फेयोल बाबा के प्रिंसिपल का सबसे पहला प्रिंसिपल अपन ने पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था? डिविजन ऑफ वर्क। ठीक है, देखो तुम्हें खुद को पढ़ के समझ में आएगा कि ये गाइडलाइन ही है सिर्फ, ये ऐसा कुछ स्टैटिक प्रिंसिपल नहीं है कि तुम्हें फॉलो करना ही करना है। समझ में आ रहा है ना? जैसे डिविजन ऑफ वर्क बोला तो ऐसा नहीं बोला है कि तुम्हें ये चीज फॉलो करनी ही करनी है। डिविजन ऑफ वर्क बिजनेस के अंदर करना ही करना है, ऐसा नहीं बोला है, बस करना है ये बोला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि बिजनेस के अंदर आपको वर्क डिवाइड करके काम करना चाहिए। उससे क्या होगा, जो स्पेशलाइज्ड पर्सन है वो उस पर्टिकुलर काम को करेगा तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन आएगा। स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में आने का मतलब आप जो प्रोडक्ट या कोई सर्विस सप्लाई कर रहे हो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आएगा। क्लियर है ना, इजी चीज? ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा था कि डिविजन ऑफ वर्क अगर अपन करते हैं या करने के जगह पर अगर अपन ऐसा सोचें कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिविजन ऑफ वर्क फॉलो नहीं होता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या रिपरकशंस है। बात किया था अपन ने, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। मैं वर्क डिवाइड नहीं कर रहा हूं, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, अमेजिंग। बट ये डिविजन ऑफ वर्क में कैसा आएगा, सोचना एक बार। अब तो एक जना कर रहा है, नहीं कर ले तो मैं तो डिवाइड ही नहीं किया ना, बर्डन इंक्रीज हो जाता है। अमेजिंग, बर्डन इंक्रीज हो जाता है। और क्या बातें की थी? एक्यूरेसी कम हो जाती है, बिजनेस गोल अचीव करना डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे ही जनरल पॉइंट्स जो है ना, अपन को एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। देखो सब, अभी अपन डिविजन ऑफ वर्क तो पहला प्रिंसिपल हो गया, ऐसे अपन को 13 और प्रिंसिपल पढ़ना है। अपन हर एक प्रिंसिपल के अगर अपन की अगर उसको वॉयलेट करते हैं तो क्या होगा, एप्लीकेशन होता है तो क्या होगा, ये अपन याद करने बैठेंगे ना तो बहुत सारा अक्यूमुलेट हो जाएगी चीजें याद करने के लिए। इससे बेटर है अपन खुद की ही चीजें बनाए। एग्जाम में चीजें गलत नहीं होगी, अपन जो सोच रहे ना वो सही है, सही है, बस सही एक लेन में आने का है अपन को। जैसे अपने डिसीजंस कंप्लीट नहीं होंगे, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो सही से हुई होगी नहीं। उसके अलावा सबसे चीज क्या बोली, अपने स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि अपन डिवाइड वर्क करते क्यों है, स्पेशलाइजेशन लाने के लिए। और अगर मैं वर्क डिवाइड नहीं करूंगा तो स्पेशलाइजेशन मिलेगा क्या? नहीं ना। जो अपन पढ़ रहे हैं उसके अंदर ही उसकी फीचर्स है, वही समझना। और किसी ने बोला एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, effectiveness may reduce. देखो अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि efficiency आएगी ही नहीं। अगर मैं किसी काम को divide नहीं करता हूं तो क्या पिज्जा नहीं बनेगा? अकेला आदमी पिज्जा बना सकता है, ऐसा नहीं कि बना ही नहीं सकता है। वर्क डिवाइड करेगा तो बेटर चीज होगी, समझ रहे हो? तो efficiency या effectiveness reduce हो सकता है, खत्म कभी नहीं हो सकता है। खत्म कैसे होगा, चीज तो हो सकती है बट उस effectiveness से या उस efficiency से नहीं हो सकती है। ठीक है, और क्या था? रिसोर्सेज में भी अंडर यूटिलाइज,
जो रिसोर्सेस है वो अंडर यूटिलाइज रह जाएंगे. वर्कलोड ऑफ सुपीरियर्स भी मोर, अगर मैं काम नहीं बांटूंगा तो जो सुपीरियर है उसके ऊपर ही सारा वर्कलोड हो जाएगा, बराबर है. अगला क्या था, डिसिप्लिन से पहले अपन एक काम करते हैं, पढ़ते हैं अपना. यार ये बहुत समझा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बताओगे क्या? अथॉरिटी मतलब, अथॉरिटी मतलब, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब, अथॉरिटी मतलब फर्स्ट स्टार्ट करें. पावर, पावर होना, पावर इज अथॉरिटी. कोई और, कोई और किसी का ओपिनियन की असर, अथॉरिटी मतलब ये हिंदी में जरूरत है, अंग्रेजी की हिंदी में समझ में आना चाहिए, वहां तो मैं लिख ही देंगे. अथॉरिटी मतलब पावर, पावर ठीक है. रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, मतलब किसी को कोई काम अलॉट करना, रिस्पॉन्सिबल करना. मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है बिजनेस के अंदर या नॉर्मल लाइफ के अंदर ये जो अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका बैलेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपन कुछ एग्जांपल लेके बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेके बात करते हैं. देखो क्या होता है ना बिजनेस के अंदर, बिजनेस के अंदर कैसा काम चलता है अपन एक बार उसकी एग्जांपल लेते हैं. सेल्स डिपार्टमेंट समझ में आता है ना अपन को, यहां अपना सीईओ. एक काम करते हैं अपन, नाम अलॉट करना शुरू करते हैं, सीईओ करण सर ठीक है. और सेल्स, सेल्स में किसको इंटरेस्ट है, कौन बनेगा सेल्स डिपार्टमेंट का हेड, कौन बनेगा? गीता, गीता सेल्स करेगी ठीक है, डन. गीता बनी सेल्स डिपार्टमेंट की हेड, डिपार्टमेंट की हेड कौन? गीता. और बीच में अपना आएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बीच में अपना आएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ठीक है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड कौन बनेगा, प्रोडक्शन कौन करेगा? ये इसने हाथ उठाया, क्या नाम है? गुन 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 गुन. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हेड हुई, सॉरी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हेड हुई गुन गुन ठीक है. सही स्पेलिंग गुन गुन ठीक है, परफेक्ट. अब क्या हुआ ना, मैंने मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब मैंने गुनगुन को एक अथॉरिटी दी, क्या? कि गुनगुन आप स्टोर से जब माल इशू करोगे प्रोडक्शन के लिए, अगर गुनगुन को प्रोडक्शन करना है तो माल इशू करना पड़ेगा ना, जो भी स्टोर के अंदर माल पड़ा है उसको वो इशू करेगी, मतलब उसको वो प्रिक्योर करेगी प्रिक्योरमेंट टीम से और प्रोडक्शन के अंदर यूज करेगी. तो मैंने क्या बोला कि गुनगुन आपके पास में अथॉरिटी है, आपके पास में अथॉरिटी है कि आप रुपीज 1 लाख का माल इशू कर सकती हो स्टोर से ठीक है. आप रुपीज 1 लाख का माल इशू कर सकती हो स्टोर से ठीक है. और सेल्स डिपार्टमेंट को मैंने क्या बोला कि भाई अपन को तो सेल्स करनी है धुएंधार, मतलब गीता आप शुरू हो जाओ, अपन को इतनी सेल्स करनी है, इतनी सेल्स करनी है कि नेक्स्ट ईयर में सब देखते रह जाए कि क्या सेल्स करी है. तो क्या भाई गीता हो गई फुल भावुक, गीता तो ब्रोशर वॉशर लेके सेल्स करना शुरू हो गई. तो जब गीता सेल्स करना शुरू हुई तो गीता एक ऑर्डर लेकर आई, कितने का? गीता ऑर्डर लेकर आई कितने का बोलो? गीता लेकर आई ऑर्डर रुपीज 5 लाख रुपीज का. और गीता पहुंची गुनगुन के पास में, क्या? कि गुनगुन, गुनगुन मैं 5 लाख का, 5 लाख रुपीज का ऑर्डर लेकर आई हूं और आप बनाना शुरू करो. तो मुझे एक बात बताओ, जब गुनगुन को अथॉरिटी ही 1 लाख रुपीज का माल प्रिक्योर करने की है, स्टोर से इश्यू करने की है, तो क्या वो 5 लाख रुपीज का जो सेल करना है अपन को यूनिट बना पाएगी? नहीं बना पाएगी. मतलब इसको गुनगुन को अपन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको जो भी सेल्स डिपार्टमेंट ऑर्डर देगा आपको वो फुलफिल करना है. बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अथॉरिटी भी तो देना जरूरी है ना यार. अगर उसको मैंने इतनी अथॉरिटी दी ही नहीं तो क्या गोल अचीव होगा? जो मेरा गोल है कि साल के एंड में मुझे 1 करोड़ या 5 लाख की सेल्स करनी है, वो कैसे अचीव होगा? बराबर है. तो मतलब अगर मैंने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दी और अथॉरिटी कम दी तब
भी मतलब तब मेरा गोल अचीव नहीं होगा, हो ही नहीं सकता ना। अपन एग्जांपल करते हैं, अपन एग्जांपल चेंज करते हैं, ठीक है। ये तो हुआ, ये कौन सा ये अपना हुआ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग था, जिसमें बहुत इश्यूज थे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी का और अथॉरिटी का। अगला एग्जाम्पल अपन लेते हैं बॉटल मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। इधर सीईओ तो मैं ही था, मैं खुद को चेंज नहीं कर रहा सीईओ के नाम पे, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, जो अपना सेल्स टीम है उसका हेड बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्स टीम को जो गीता थी वो गुनगुन को बहुत गाली देती थी कि तेरे को मैंने ऑर्डर ला के दिया तूने तब भी मेरा काम नहीं किया, ठीक है। तो अपन सेल्स टीम की हेड रखेंगे इनको, क्या नाम है, तनीषा, सेम ही नाम है बराबर, तनीषा, ठीक है, तनीषा, तनीषा। और प्रोडक्शन टीम का हेड इस बार होगा कोई ताकतवर बंदा, बताओ लॉन्डो में से, अंश, ठीक है, अंश था प्रोडक्शन टीम का हेड। तो अंश क्या हुआ, अंश आया मेरे पास में बोला, सर मैंने एक चीज नोटिस करी मोबाइल इंडस्ट्री में, क्या, कि सर आप ऐसे आदमी हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत दे देते हो, अथॉरिटी एक रुपए की देते हो, तो सर मुझे अथॉरिटी ज्यादा चाहिए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दो नहीं तो आपकी मर्जी है, आप काम दो नहीं तो आपकी मर्जी है, मुझे अथॉरिटी चाहिए पूरी। तो मैंने क्या किया, अब अंश हट्टा कट्टा आदमी आया मेरे पास, मैं डर गया, मैं बोला अंश एक काम करो, आपको मैं अथॉरिटी देता हूं, कितने रुपए की, 10 लाख रुपीज की, कि आप 10 लाख रुपीज तक का माल प्रिक्योर कर सकते हो स्टोर से। अब मेरी बात सुनना, तनीषा के पास में, तनीषा के पास में रुपीज 5 लाख का ऑर्डर आया। तनीषा गई अंश के पास में, बोला बॉस अपन को 5 लाख रुपीज का ऑर्डर आया, आपको अथॉरिटी भी दी, करण सर ने दबा के अथॉरिटी दी, आप तो माल बनाना शुरू करो। तो अंश को क्या लगा कि यार अपने पास में 10 लाख यूनिट प्रिक्योर करने की अथॉरिटी है ना, तो अपन एक काम करते हैं 5 लाख बनाना है, अपन यहां से 6 लाख इशू कर लेते हैं, 6 लाख रुपए की जो स्टोर है उसमें से माल इशू कर लेते हैं। क्यों? उसको लगा कि यार अगर कम पड़ गया तो बार बार वहां कौन जाएगा, अपन एक काम करते हैं 1 लाख ज्यादा मंगवा के रख लेते हैं, 1 लाख यूनिट्स ज्यादा मंगवा के रख लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, खराब ही होगा ना, अपना क्या दिक्कत है, अथॉरिटी ऊपर है, उसने अथॉरिटी दी है तो कोई सोच समझ के दी होगी ना मेरे को। तो एक काम करते हैं अपन 6 लाख का माल प्रिक्योर कर लेते हैं, 5 लाख यहां पे यूज हो गया, और जो 1 लाख यूनिट अपने एक्स्ट्रा प्रिक्योर किया था वो वेस्ट हो गए। क्यों? क्योंकि यहां तो प्रिक्योर हुए नहीं, अब प्रोडक्शन के अंदर चीजें कहां पड़ी है, मिलती थोड़ी है, बराबर है। तो यहां पे मैंने ज्यादा अथॉरिटी दी तब भी नुकसान है, ज्यादा अथॉरिटी दी तब भी नुकसान है, कम अथॉरिटी दे रहा हूं तब भी नुकसान है। मतलब कुल मिला के अपन को जो समझ में आती है कि यार किसी भी टॉप मैनेजर को या मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का बैलेंस बना के चलना चाहिए, ना ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, सॉरी ना ही ज्यादा अथॉरिटी दे, क्योंकि ज्यादा अथॉरिटी दिया तो ये मिसयूज कर रहा है। अंश क्या कर रहा है, अंश मिसयूज कर रहा है, उसके पास में अथॉरिटी थी तो उसने क्या किया, एक्स्ट्रा माल प्रिक्योर किया, क्योंकि उसका क्या डरा है, उसको तो अथॉरिटी मिली सर से तो उसने ज्यादा माल इशू, कम रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया अपन ने, सॉरी कम अथॉरिटी दिया अपन ने, तो अपना गोल ही अचीव नहीं हो रहा है। तो अपन को ये चीज समझ में आया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस के अंदर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमेशा बैलेंस चलना चाहिए, हमेशा बैलेंस चलना चाहिए। अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, किसका, आपका नाम दीक्षा को क्या हुआ, दीक्षा ने करण सर से बिजनेस स्टडीज पढ़ी और लेनोवो वाले दीक्षा से बहुत ज्यादा खुश हो गए कि सर से पढ़ गए हो, आपको हम जॉब देंगे। तो क्या किया ना दीक्षा को मार्केटिंग टीम ने हायर किया, और दीक्षा को बोला कि आपको लेनोवो का इंस्टाग्राम अकाउंट संभालना है। तो दीक्षा तो बहुत खुश हो गई, बोले क्या बात कर रहे हो, मतलब करण सर से पढ़ने का इतना फायदा। तो क्या हुआ दीक्षा को बोला कि हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के आपको फॉलोअर्स बढ़ाना है, नॉर्मल है फॉलोअर्स बढ़ाना है। तो दीक्षा को टारगेट क्या दिया कि आपको अभी हमारे 10 फॉलोअर्स है, आपको 1 मिलियन फॉलोअर्स पहुंचाने हैं। और टाइम क्या दिया कि ठीक है दीक्षा आप एक काम करो, अभी आप नए नए आए हो तो आप 5 महीने ले और काम कंप्लीट करके दो हमारे को। तो दीक्षा के पास 1 मिलियन
अगर उसको फॉलोअर पहुंचाने हैं तो दीक्षा को पता ये चीज कि 1 मिलियन फॉलोअर्स पहुंचाने के लिए मेरे कम से कम 5 लाख रुपए खर्च होंगे ही होंगे, क्योंकि मैं उसको एडवर्टाइजमेंट करूंगी, मैं उसको डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉगर्स के पास में जाऊंगी, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। खुद घर बैठे बैठे सिर्फ पोस्ट डालते डालते तो 1 मिलियन फॉलोअर्स होंगे नहीं, कहीं ना कहीं तो पैसे खिलाने पड़ेंगे, बराबर है। या क्या हुआ ना, दीक्षा को 5 लाख रुपए में 1 मिलियन फेक फॉलोअर्स मिल रहे थे, तो एक बार का काम कराने के लिए दीक्षा ने क्या बोला कि यार कोई बात नहीं, करण सर ने सिखाया नहीं है, बराबर करके तो देखते हैं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, दीक्षा को अगर फाइनेंस टीम ने इसका ही फाइनेंस दिया होता कि आप 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, तो क्या दीक्षा गोल अचीव कर पाती? क्या कंपनी का जो गोल था कि 1 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए वो कंप्लीट हो पाते, वो प्रिक्योर हो पाता? नहीं ना, नहीं ना। और अगर मैं यहां पे उसको दीक्षा को 2 की जगह पे 7 लाख रुपए देता तो वो क्या करती, लेनोवो के फॉलोअर बढ़ाने के साथ साथ में खुद के फॉलोअर्स में 2 लाख बढ़ा देती कि बोले पैसे ज्यादा मिले हैं, अथॉरिटी मिली है, अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ज्यादा अथॉरिटी देना भी खराब, कम अथॉरिटी देना भी खराब, ठीक है। तो फेवर बाबा क्या बोलते हैं कि बॉस आपके पास में जो अथॉरिटी है, कंपनी आपके पास में जो अथॉरिटी है लोगों को काम देने की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों सेम बैलेंस में चलनी चाहिए, ना अथॉरिटी ज्यादा दो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दो, बराबर, ठीक है। अगर पढ़ोगे ना सेम चीज देखिए, क्या अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ पर्सन टू गिव ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्ट ओबीडियंस बाय द वर्च्यू ऑफ वन्स पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, किसी को काम अलॉट करना अपनी अथॉरिटी, जी में ये लिखा हुआ है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब लिखा हुआ है क्या, टू द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइन टास्क टू द एबिलिटी एंड स्किल्स, ठीक है। फेयर बाबा क्या बोलते हैं, अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स, शाबाश, ऑर्डर्स ऑब्टेन ओबीडियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कोरोलरी ऑफ अथॉरिटी, ये लिखा हुआ तो है, तुम्हें अगर इसकी लैंग्वेज चेंज करनी तुम कर सकते हो। देखो समझना, एग्जाम के अंदर पहली बात तो सीक्वेंस से कोई चीज याद ही रखनी है, जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूं क्या मैंने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा दिया, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को अगर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी याद हो गया पहले तो डिविजन ऑफ बाद में याद आ रहा है तो कुछ गलत नहीं हो रहा है। इसकी अपन को सीक्वेंस याद नहीं करना, इसके अंदर का मैटर जरूर समझना है कि ये बोलना क्या चाहता है, बाकी एग्जाम में तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी अपन को, ठीक है। अब ये चीज वही लिखी हुई है क्या, टू टाइप ऑफ, यहां पे क्या लिखा हुआ है, अथॉरिटी टू कमांड एंड पर्सनल अथॉरिटी। एक तो होती है अपन अथॉरिटी देते हैं कमांड से कि मैंने इतना बोला आप इतना ही यूनिट बनाओगे, और एक क्या पर्सनल अथॉरिटी देते हैं क्या कि यार आपकी जितनी मर्जी आप उतने में काम कर लेना, कोई प्रेशर नहीं होता, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल अथॉरिटी और अथॉरिटी ऑफ कमांड, दोनों में डिफरेंस ही हो गया। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन दोनों के बारे में ये लिखा हुआ है, अथॉरिटी असाइन टू अ पर्सन मोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बता रहा है कि अगर ज्यादा अथॉरिटी देते तो क्या कांड होगा, कम अथॉरिटी देते तो क्या कांड होगा, ठीक है। सिंपल सिंपल चीज है, ये एग्जाम्पल है मेहुल के बारे में, पढ़ लेना, इजी एग्जाम्पल है, समझ में आया। अच्छा मुझे बात बताओ, अगर अपन ने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का वायलेशन किया तो क्या होगा, सब कॉमन सेंस, कम ऑन, गोल अचीव नहीं होगा, वंडरफुल, और रिसोर्सेस अनयूटिलाइज रह जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, वंडरफुल। आप वापस एक और चीज, मतलब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, सेम बात हो गई, और कुछ, मिस यूज ऑफ पावर, वंडरफुल, और कुछ, सब लगाओ, दिमाग लगाओ क्योंकि तो इजी है। बोल सकते हैं कि अपन ने ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दी तो वो वर्क गोल अचीव नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं बोल सकते अपन, गोल अचीव नहीं होगा। मैंने किसी को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उतनी उसको मैंने अथॉरिटी नहीं दी तो गोल अचीव नहीं होगा, ये बात सही है ना, ठीक है, एग्री होना मेरे, अगर मेरे को अगर आर्ग्यूमेंट हो तो बोलना कि सर ऐसे कैसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कुछ पढ़े, चलो ठीक है। सबसे पहला क्या, गोल अचीव नहीं होगा जो तुम लोग बोल चुके हो, गोल अचीव नहीं होगा जो तुम लोग बोल चुके हो। अगला क्या, इट इज डिफिकल्ट टू क्रिएट अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने में डिफिकल्टी होगा, क्यों, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। अब क्या हो रहा है ना, जैसे अपने एग्जाम्पल लिया था, कौन सा, ये वाला, अब इसके अंदर सीईओ की गलती है, ठीक है, बट सीईओ कभी अपनी गलती मानेगा नहीं, बराबर है, वो क्या बोलेगा, या तो गुनगुन की गलती है या तो गीता की गलती है, मेरी गलती तो है नहीं, और गुनगुन बोलेगी मेरी क्या गलती है सर,
आपने हरकत करी है और मैं तो कभी गलती मानूंगा नहीं। बराबर है, गीता चिल्लाएगी कि सर आपने जो बोला मैं उतना से लेकर आई। मैंने बोला मैं तो गलती मानूंगा नहीं, गलती तुम दोनों में से किसी एक की होगी। ठीक है, तो ये दिक्कत आती है। और क्या, तीसरा क्या, एक्सेस ऑफ अथॉरिटी इज लाइकली टू बी मिसयूज्ड। एक बंदे ने बोला था, बराबर है, इनसफिशिएंट अथॉरिटी मिली टू डिस्ट्रप्शन ऑफ वर्क, काम होगा नहीं। अनयूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यार ये चीज मैं नहीं बोल रहा कि अगर फॉलो किया तो क्या क्या होगा, क्योंकि ये तो बहुत वैसी चीज है, मतलब क्योंकि तुम लोग बहुत ईजी हो जाएगा कि क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा मिसयूज ऑफ अथॉरिटी और एफिशिएंसी आएगी, इफेक्टिवनेस आएगा, इंपोज अकाउंटेबिलिटी, गोल अचीव हो जाएगा, ये सब ये सब ये सब, ये सब जो मैनेजमेंट के फीचर्स है ना, थोड़े बहुत लाके चेप देना हर एक में, कोई दिक्कत नहीं यार। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि अगर ये चीज वॉयलेट हो गई तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, तो क्या रेपरकशन है, वो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा अपन ने एक थोड़ा बीच में कौन सा, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब शांति। स्कूल में डिसिप्लिन मतलब शांति होता है तो शांति रखते हैं अपन? नहीं रखते। तो मतलब डिसिप्लिन का मतलब शांति बोलना थोड़ा अजीब हो गया, कुछ और। स्कूल में डिसिप्लिन होता है, वो आता कैसे, ऑब्लिगेशन, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया। देखो डिसिप्लिन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। डिसिप्लिन आता कैसे, रूल्स एंड रेगुलेशंस से। ठीक है, अभी तुम्हारा एक इंस्टीट्यूट का डिसिप्लिन क्या है कि आपको इस टाइम पे यहां पे आना है, इस टाइम से इस टाइम तक ये सर पढ़ाएंगे, इस टाइम से इस टाइम तक ये सर पढ़ाएंगे, उस टाइम तक यहां तक ये सर पढ़ाएंगे, इसके बाद जाना है आपको, यहां पे कायोस नहीं करना है आपको। बराबर, ये हो कह रहा है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ऐसे ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन में या हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ रूल्स होता है ना, अपन ने देखा है ना, रूल्स होता है। जैसे कि सुबह आपको 10 बजे ऑफिस में आना है, शाम को 5 बजे जाना है, कोई भी गलत हरकत नहीं करनी है, ऑफिस में बैठ के खाना नहीं खाना है। क्लास में भी रूल होता है कि क्लास में बैठ के खाना नहीं खाना है, खाना है। बट अपन में से ऐसा कोई नहीं होगा जो उसने रूल फॉलो किया होगा, किया किसी ने रूल, सही में फॉलो किया किसी ने रूल? वेरी गुड, तुम सही बच्चे हो। ठीक है, अब डिसिप्लिन के अंदर क्या क्या चीजें आती है, डिसिप्लिन के अंदर क्या क्या चीजें आती है समझना। पहला क्या, रूल्स और रेगुलेशंस आर क्लियरली कम्युनिकेटेड टू ऑल द एम्प्लॉइज। फियोल बाबा क्या बोलते हैं हमारे कि बॉस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डिसिप्लिन होगा ना तभी आप गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स सब अचीव कर पाओगे। ठीक है, फियोल बाबा क्या बोलते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और होने के बाद उसको एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी अगर एम्प्लॉय को मैंने कम्युनिकेट ही नहीं किया कि आपको सुबह 9 बजे जाना है, शाम को 5 बजे जाना है, उसको समझ भी कैसे आएगा क्या रूल्स है। मैं बोलूंगा ऑफिस में बैठ के खाना खाना नहीं है, ये कम्युनिकेशन हुआ, किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ता है, राइट। तो अगर वो नहीं किया तो फिर वो हरकतें करेगा, वो डिसिप्लिन तोड़ेगा। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एम्प्लॉयज के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में एक क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या, कि मैं आपको इतना पे करूंगा, आपको ये काम करना है और अपना इतने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर 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 ये सब चीजें नहीं हुई, क्लियर और फेयर एग्रीमेंट नहीं हुए, क्लियर और फेयर एग्रीमेंट नहीं हुए, तो क्या होगा ना, बाद में पंगे होंगे। मतलब क्या हुआ ना, स्टार्टिंग में अपन ने डील नहीं करी, क्या बोला कि आप आओ काम करो जो होगा देख लेंगे, और बाद में जाके अगर उस सामने एम्प्लॉय को वो काम समझ नहीं आया, उसको पे स्केल कम लगा, तो बाद में क्या लड़ाइयां होगी, बाद में लड़ाई होगी ना, बाद में फाइट होगी कि नहीं होगी। बराबर है, और क्या चीज है, देयर बिहेवियर इज क्लोजली मॉनिटर्ड बाय सुपीर एट ऑल लेवल्स। देखो बिजनेस के अंदर या किसी भी मैनेजमेंट के अंदर एक लेवल होता है, पहले सुपीरियर पे टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, उसके नीचे वर्कर्स, ये क्या है, हायरार्की है ना बिजनेस में, ये हायरार्की चलता है। तो क्या होता है ना, ये बोल रहा है कि उस हायरार्की के अंदर हर एक का काम ऊपर वाले को सही से मॉनिटर करना चाहिए। डिसिप्लिन तभी आएगा ना बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन आएगा कैसे, जब ऊपर वाला चेक रख रहा है कि ये काम मैंने देखो दिया था किया कि नहीं किया, ये रूल्स से फॉलो किए कि नहीं किए। ठीक है, अगर क्या है, देयर इज अ जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज वेयर एवर नीडेड। समझना मेरी बात समझना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, और तुम्हारे एग्जाम में मुझे लगता है आ सकता है। ठीक है, क्यों सुनना, एग्जाम में आएगा कैसे पहले समझना, क्या बोलेंगे कि ये जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी हो रहा है, तो मुझे हमें एक बात बताओ कि ये किस प्रिंसिपल के अंदर फॉल करता है। समझ रहे हो, कि अगर
आप कोई ना कोई पेनल्टीज लगा रहे हो तो किसके अंदर फॉल करता है? अब समझना मेरी बात, क्या इसका मतलब क्या है समझना। अपन अपन स्कूल के अंदर, स्कूल के अंदर या छोड़ो, अपन वर्क के अंदर, बिजनेस के अंदर कोई अपने एम्प्लॉइज है, अगर वो छुट्टी करते हैं, अगर वो छुट्टी करते हैं अपन को पेनल्टी मारते हैं कि नहीं मारते हैं? तो बिजनेस के अंदर ये कुछ रूल्स रेगुलेशन स्पेसिफाई कर रखे कि आपने अगर ये फॉलो नहीं किया तो हम आपको पेनल्टी चार्ज करेंगे। तो फेयर बाबा क्या बोलते हैं कि आपको रूल्स रेगुलेशन सेट करने के साथ साथ में कुछ पेनल्टीज भी सेट करनी पड़ेगी कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको पेनल्टी लगेगी। तो समझना, ये मैं चीजें कर क्यों रहा हूं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन लाने के लिए। अपने ऑर्गेनाइजेशन में मुझे डिसिप्लिन चाहिए, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, रूल्स रेगुलेशन ये है, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपने इसको ब्रेक किया तो आपके ऊपर मैं पेनल्टीज लगाऊंगा। कितनी पेनल्टीज, क्या पेनल्टीज, सब कुछ क्लियर होनी चाहिए, सब कुछ क्लियर होनी चाहिए। फेल बाबा ये बोलते हैं अगर ये काम करोगे, ये काम करोगे तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन आएगा। आप ये सब काम नहीं करते हो, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं करते हो तो फाइट होगी बहुत ज्यादा, ठीक है, यहाँ फाइट होगी, ऐसे फाइट होगी, और भी दो चार फोटो डाले मैंने फाइटिंग के, इस टाइप की चीजें फाइट होगी, ठीक है, और फाइट होगी तो सब समझ रहे हो, तुम ऐसे ऑफिस में घुस रहे हो और इस टाइप का माहौल चला हुआ है, मजा आएगा बहुत मजा आएगा, तुम्हें मजा आएगा, गोल्स अचीव नहीं होंगे फिर, तुम भी घुस जाओगे तलवार लेके, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, डिसिप्लिन नहीं हुआ तो क्या होगा, अभी फोटो दिखाया था, फाइट होगी, मतलब कायस होगा, रिसोर्सेस का मिसयूज होगा, बोल सकते हैं। गोल्स मैंने बता दिया जो हर एक में लगाना है अपन को, कि गोल अचीव होगा ही नहीं अपना कभी भी, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं हुआ तो गोल कैसे अचीव होगा, और डिसिप्लिन में मिसयूज ऑफ पावर, कॉपी पेस्ट नहीं करना सबका कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको लग रहा है कि सब में कॉमन है सर बोल के देख लेते क्या था काम आ जाए नहीं नहीं सोचो ना, किसी भी इंडस्ट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन ही नहीं है यार, तरीके से काम ही नहीं चल रहा, रूल्स रेगुलेशन तो फॉलो ही नहीं कर रहा है। अपन स्टेशनरी की दुकान की बात नहीं कर रहे सॉरी एम्प्लॉइज एब्सेंट होंगे, अपन को ऑर्गेनाइजेशन के व्यू से सोचना हमेशा, एम्प्लॉइज बहुत ये लेवल हो गया, अपन सोचेंगे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे क्या पंगे होंगे, देखते हैं। देखो सबसे पहला कायोस हो जाएगा और कंफ्यूजन हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन ही नहीं है, कोई सुबह 10 बजे आ रहा है, सुबह 9 बजे आ रहा है, कोई शाम को 3 बजे आ रहा है, समझ रहे हो, तो ये क्या है, ये कंफ्यूजन है कि सर आना कब है, आपने रूल्स तो हमें कम्युनिकेट ही नहीं किए, अगर रूल्स कम्युनिकेट नहीं करेंगे, रूल्स कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो कायस हो गई, बराबर है। उसके अलावा क्या है, ये वाला तो सबको ही पता है कि गोल्स अचीव नहीं होंगे। अगला क्या है, डिफिकल्ट टू क्रिएट अ हेल्दी वर्क एनवायरमेंट, डिसिप्लिन सुनते ही अपन को क्या चाहिए कि हेल्दी वर्क एनवायरमेंट बने। सुबह समझ लो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुबह एक बंदा आया, सुबह पूरी टीम आई, बैठी काम करना शुरू करी, शाम को तो एक सिस्टम बन गया, एक हेल्दी वर्क एनवायरमेंट बन गया, या मैं काम कर रहा हूं सुबह दिन को 3 बजे एक आदमी आ रहा है, दिन को 2 बजे मेरे पास में कोई खाना खा रहा है, ये लगा कि हेल्दी वर्क एनवायरमेंट है। वर्क एनवायरमेंट की बात कर रहा हूं मैं, हेल्दी मजा वाला एनवायरमेंट तो बन गया, वो वर्क एनवायरमेंट बन पड़ा, ठीक है। और हेल्दी वर्क एनवायरमेंट नहीं बनेगा तो अगेन ये सब कारण होंगे, ये ऐसा ठीक है तो चल ऊपर मे लीड टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, ये तो कॉमन है कि अपना अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रहेगा। समझ में आया डिसिप्लिन, आगे बढ़े। अभी देखो ये भी है, देखो अभी जब कोविड हुआ था अपने एक चीज नोटिस की थी, क्या अपने जो जोमेटो स्विगी वाले थे, अपने जब भी घर पे आ रहे थे तो अपन वो अपने सामने पहले ऐसे हाथ को सैनिटाइज कर रहे थे, फिर अपन को कोई भी प्रोडक्ट ला के दे रहे थे, Amazon, Flipkart वाले ये सभी सेम चीज फॉलो कर रहे थे। तो ये क्या किया, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने एक डिसिप्लिन बनाया कि इस डिसिप्लिन से आप लोग चलो, इस डिसिप्लिन से आप लोग चलो, ठीक है। तो क्या हुआ, उससे उनका जो गोल था कि सेल कर पाए हम लोग एटलीस्ट, वो अचीव हो गया कोविड को बीट करने के लिए, करेक्ट। इस टाइप से लोग डिसिप्लिन बनाते हैं। तो ये क्या है, ये फेयर बाबा से सीखा था इन लोगों ने, ये फेयर बाबा से सीखा था। समझ में आया डिसिप्लिन, आगे बढ़ते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, कौन रह गया एग्जाम्पल में, आप रह गए, नाम क्या आपका, दिव्या, दिव्या। तो क्या हुआ, क्लास खत्म हुई, दिव्या बाहर गई, जब दिव्या बाहर गई तो नितिन सर आए, नितिन सर ने दिव्या को बोला कि कल 3 बजे मेरी अकाउंट्स की क्लास है। तो दिव्या ने बोला ओके सर, अटेंड कर लेंगे। थोड़ा आगे गई
तो हिमांशु से टकरा है। अब हिमांशु सर ने क्या बोला कि कल 3 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास है। तो दिव्या तो बोली कि यार हो क्या गया मेरे साथ में, अब मैं करूं क्या। देखो कोई बात नहीं, घर जाके सोचता, अभी तो सर दुख रहा है मेरा बहुत, ये दो दो चीज समझ नहीं आती मुझे। दिव्या थोड़ी आगे गई, अविनाश सर का टकरा गए। अब अविनाश सर ने क्या बोला कि मुझे आप क्लास में चाहिए हो 2:45 बजे। समझ गए। तो दिव्या ने बोला कि ये तो क्या हो रहा है, तो हर एक बंदा अपनी अपनी क्लास की बातें कर रहा है। थोड़ा और आगे गई तो मैं टकराया, तो मैंने क्या बोला कि दिव्या आपकी क्लास, तो दिव्या रुक जाओ सर 3 बजे मत बोलना, 3 बजे मत बोलना। मैं बोला क्यों दिव्या क्या हो गया। बोला सर आपसे पहले 3 लोगों ने ऑलरेडी मुझे कमांड रखा है कि दिन को 3 बजे क्लास है आपकी। तो दिव्या ऐसी नहीं हो जाएगी सर पकड़ के कि यार इतना सारा कंफ्यूजन, इतने सारे लोग मुझे कमांड दे रहे हैं। सोचो ये चीज तो अपने इंस्टीट्यूट में हुई, ये सेम चीज अगर बिजनेस के अंदर हो तो कैसा होगा, बिजनेस के अंदर हो तो कैसा होगा। इसके अंदर अपनी बात आएगी कि ओवरलैप हो रहा है काम, क्यों, क्योंकि एक बंदा ऑर्डर नहीं दे रहा है। यूनिट ऑफ कमांड का मतलब क्या हुआ, सेवल बाबा ये बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस के अंदर जब भी कोई इंस्ट्रक्शन आए ना तो एक ही हेड से आने चाहिए। एक इंस्ट्रक्शन या एक चीज को चार पांच लोग हेड नहीं करने चाहिए, ठीक है। अभी कैसा होता है ना, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसका प्रोडक्शन हेड एक ही बंदा हुआ, बराबर, प्रोडक्शन मैनेजर जो हुआ एक ही बंदा हुआ। अभी समझना, अगर एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 4-5 मैनेजर हुए और एक बंदा बोलता है कि 10,000 बनाना है, दूसरा बोलता है 5,000 बनाना है, तीसरा बोलता है 30,000 बनाना है, तो काम का चलेगा कैसे, समझ रहे हो। तो यूनिटी ऑफ कमांड का एक सबसे बड़ा लॉजिक है कि देयर शुड बी वन हेड। आप एक ही बंदा दो जो हमारे को हर चीज बोलेगा और वही हर चीज सॉर्ट करेगा, एक ही मैनेजर होगा, एक ही बंदे से कमांड आनी चाहिए, एक ही बॉस होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया ना, मैंने जब दिव्या की बात सुनी तो मैं गया अविनाश सर के पास, मैं सर क्या चल रहा है यहाँ पे, आप सब दिव्या को परेशान कर रहे हो, 3-3 बजे बुला रहे हो क्लास के लिए, ये कैसे काम चलेगा। तो अविनाश सर ने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब रुको, फेयोल बाबा का यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो क्या करो मैनेजमेंट के अंदर, एक बंदा हैंडल करेगा, एक बंदा शेड्यूल बनाएगा, उस शेड्यूल बनाने के बाद में एक बंदा इस सबको टाइम अलॉट करेगा। ये क्या हुआ, ये यूनिटी ऑफ कमांड हुआ। मैनेजमेंट सॉर्ट होगा नहीं होगा, तुम लोग परेशान कम होगे नहीं होगे, बराबर है, बराबर है, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ, ठीक है, बराबर क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। अब बोलता क्या फेयोल बाबा, ये भी सुन लेते हैं, अपन समझ तो लिए ही है। देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। आगे क्या बोलता है, इफ एन एम्प्लॉय गेट्स ऑर्डर फ्रॉम 2 superiors एट द सेम टाइम द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड। सिंपल, आगे क्या, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड सजेस्ट दैट ईच मेंबर इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, देयर शुड बी वन एंड ओनली वन फ्रॉम होम ही शुड रिसीव ऑर्डर एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू। खत्म। आगे क्या, द प्रिंसिपल रिजेंबल्स मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मिलिट्री में कैसा होता है, पूरा ऐसा बंच ऑफ पीपल होता है, एक बंदा ही बोलता है सावधान विश्राम, तो सब साथ वर्क करते हैं एक ही कमांड पे, एक ही वॉइस पे, एक ही आवाज पे। तो ये क्या बोलता है, बिजनेस के अंदर भी एक ही बॉस होना चाहिए, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन टाइप काम चलना चाहिए, ठीक है। डी ऑल सबॉर्डिनेट हुए तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा बिजनेस के अंदर। और क्या बोलता है, मोर ओवर इट मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द सुपीरियर्स एज ईच ऑफ देम मे इंसिस्ट दैट द सबॉर्डिनेट शुड कैरी आउट द वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। अब क्या हुआ समझना, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग कहानी हुई और मैं ये क्लिप काट दूंगा थोड़ी सी इसके बीच में। नितिन सर और अविनाश सर दोनों ने जब उसको 3 बजे आने के लिए बोला तो ये मेरे पास में आई, मैं ऑफिस में गया तो मैंने बोला सर ये क्या चल रहा है। तो नितिन सर खड़े हुए तलवार लेकर, या अविनाश सर खड़े हुए तलवार लेकर कि मेरी चलेगी, अविनाश सर बोले मेरी चलेगी। तो ये हो क्या रहा है, दो सुपीरियर्स है, दोनों के अंदर अपनी में पावर है, राइट, दोनों सेम चीज किया। अब दोनों में से चाहेंगे क्या कि मेरी बात ऊपर रहे, एक बंदा बोलेगा मेरी बात ऊपर रहे। ये ईगो वाली बात आती है ना, क्योंकि कोई मैनेजमेंट पे है, कोई टॉप लेवल पे, तो ईगो वाली बात तो आएगी आएगी, बराबर है। तो ये क्या बोलता है कि अगर आपने यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं किया, तो जो अपने सुपीरियर्स है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा, और सुपीरियर वर्सेस सबॉर्डिनेट भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बिसाइड्स इट मे बी डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिस्टेक्स। ये हो गया ना, अभी आप अपन किसको मिस्टेक्स का जिम्मेदार ठहराएंगे, सबसे बड़ी बात तो होगी ना,
अकाउंट, किसी को रिस्पॉन्सिबल तो बनाना पड़ेगा ना, कोई मिस्टेक होती तो। अभी अगर ये कांड हुआ आपके साथ में तो हम लोग किसको बोलेंगे, गलती किसकी है, गलती किसकी है, समझ ही नहीं आएगा ना अपना गलती किसकी है, क्योंकि सबके सब अपना अपना काम दे रहे हैं, किसी को पता ही नहीं था। बराबर है, आगे क्या है, ऑल फेल दैट इफ दिस प्रिंसिपल इज वायलेटेड अथॉरिटी इज अंडरमाइंड डिसिप्लिन इज इन जेपार्डी ऑर्डर डिस्टर्ब एंड स्टेबिलिटी थ्रेटन्ड। ये सब चीजें कांड हो जाएंगे। अब अपन ने इसमें काफी चीजें कवर कर ली है, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर 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 यूनिटी ऑफ कमांड नहीं हुआ तो क्या क्या होगा, कॉन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, गोल्स वाला तो आपने बोला रखना कैसे नहीं पड़ेगा, वो होगा ना तो लिख भी देना, एक तो जोड़ी देना वो, कि मतलब अगर तीन मांगे ना तो एक में लिख के बाकी तीन तो लिखेंगे लिखेंगे, हम चार लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट्री एक कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। और लगभग सब कवर हो ही गए, लगभग सब कवर हो ही गए। क्या कंफ्यूजन क्रिएट करेगा सबऑर्डिनेट्स में और मे लीड टू ईगो क्लैशेस अमंग सुपीरियर्स, ये बात हुई थी ना अपनी, सुपीरियर्स के अंदर ईगो क्लैशेस होंगे और क्या, इट विल बी डिफिकल्ट टू क्रिएट अ हेल्दी वर्क एनवायरमेंट। अगर एक ही एम्प्लॉय को चार लोग ऑर्डर दे रहे हैं तो वर्क एनवायरमेंट तो खराब होगा ही ना, ईगोस तो आएंगे ना, क्लैशेस तो होगा ही ना, सब चीजें मेली टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर मैंने ओवरलैप हुआ तो ओवरलैप से मेरे रिसोर्सेज तो वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पे प्रवीण भैया, प्रवीण भैया नाम है ना, प्रवीण भैया, प्रवीण भैया को बोला जाके चाय बना के लाओ, तो प्रवीण भैया गए चाय बनाने लगे, साथ साथ में एक और बंदा आया, उसको बोला आप भी जाकर चाय बना के आओ, उनको मैंने बोला, उनको ऑर्डर मैंने दिया और प्रवीण को ऑर्डर अविनाश सर ने दिया, बराबर है। ये क्या हुआ, दोनों जा रहे हैं चाय बना के आ रहे हैं, अब पीने वाले तो दो लोग ही हैं, तुम लोग को पिलाएंगे पर समझो पीने वाले दो लोग ही हैं वहां पे ऑफिस के अंदर, तो ये हुआ क्या, चाय वेस्ट, रिसोर्सेज वेस्ट। रिसोर्सेज क्या होता है, ये जो मेरे लोग हैं रिसोर्सेज तो है, ये जब किचन में गए इनका टाइम वहां इन्वेस्ट हुआ, अगर ये टाइम वहां इन्वेस्ट नहीं होता तो वो लोग कुछ ना कुछ और काम करते ना, बराबर है। तो इससे हुआ क्या, मेरे रिसोर्स वेस्ट हुए, मेरा वर्क एनवायरनमेंट खराब हुआ, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क हुआ, गोल्स अचीव नहीं होंगे, सब लिख देने का बिंदास बिंदास, ठीक है। आगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, देखो अपन ने यूनिटी ऑफ कमांड समझे, यूनिटी ऑफ कमांड समझे, अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है समझना मेरी बात, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है समझना मेरी बात, देखो ना समझना, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब बिजनेस के अंदर एक ही प्लान होना चाहिए और सबके सब उसी प्लान को फॉलो करने चाहिए। देखो समझना, दोनों में अगर कंफ्यूजन हो ना अपन अभी हाथों क्लियर कर देंगे। यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर क्या हो रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड में क्या हो रहा है, वो ऐसा बोल रहा है कि आपको एक से ज्यादा लोग ऊपर से कमांड नहीं देने चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन, पूरा का पूरा बिजनेस एक ही प्लान पे, एक ही हेड की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जैसे 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 इंडिगो नाम से ना, इंडिगो अपनी एयरलाइन, एयरलाइन कंपनी, ये जो इंडिगो की एयरलाइन कंपनी ना, उसका बहुत बड़ा, जब वो स्टार्ट हुई थी ना उसका बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव पता क्या था, कि हमारे को लो कॉस्ट एयरलाइन बनना है। जब इंडिगो एयरलाइन स्टार्ट हुई थी उससे पहले बहुत सारी बड़ी बड़ी एयरलाइन इंडस्ट्री ऑलरेडी वर्क कर रही थी, जैसे अपनी जेट एयरवेज जो बंद हो गई, एयर इंडिया भी बहुत पहले से थी, ठीक है, गो एयर तो अभी भी आई है, बट कुल मिला के जब ये इंडस्ट्री में घुसी तो उसने ऑब्जर्व किया यार, जैसे अपना किंगफिशर था उस टाइम पे, तो किंगफिशर क्या करता था, बहुत ज्यादा लेविश लाइफ दे रहा था, सबके सब हाई प्राइसेस पे फ्लाइट्स बेच रहे थे। तो इंडिगो ने सोचा कि अपन एक प्लान पे काम करते हैं, हम बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे मैनेजमेंट भी है, अपन एक काम करते हैं, अपन एक प्लान बनाते हैं। प्लान क्या, कि अब से हम लोग पूरे इंडस्ट्री के अंदर, पूरे एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर सबसे लो कॉस्ट पे टिकट बेचेंगे। ये क्या हुआ, ये एक प्लान हुआ, ये एक प्लान हुआ, ये वन प्लान है। अब इस प्लान के ऊपर टिककर ही सब एम्प्लॉइज को, पूरे मैनेजमेंट को वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अभी कैसा हुआ समझना, अगर मैं डिसाइड किया कि एक ही प्लान है क्या, लो कॉस्ट एयरलाइन, और सारे के सारे एम्प्लॉइज इसी के ऊपर ही वर्क करने चाहिए, तब जाकर ही तो मेरा गोल अचीव होगा ना यार। नहीं तो क्या हुआ, मैं बोलता हूं कि लो कॉस्ट होना चाहिए और एम्प्लॉइज को लगा कि यार लो कॉस्ट में क्या मजा, अपन तो फैसिलिटीज देते हैं और अपनी कॉस्ट बढ़ाते हैं, बराबर, आधे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं कॉस्ट बढ़ाने में, आधे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं कॉस्ट बचाने में, तो ये तो वही बात हो गई, एक कार को एक बंदा पीछे से धक्का दे रहा है, एक बंदा आगे से धक्का दे रहा है, गाड़ी जाएगी कहां पे, कहीं नहीं जाएगी ना, गाड़ी वहीं की वहीं रहेगी,
गाड़ी वहीं की वहीं रहेगी। तो अपना जो अपना यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, यही बोलता है कि आप डायरेक्शन से भटको मत यार, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ में एक डायरेक्शन में ही लेकर चलो। बराबर है, बराबर है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि एक आदमी को, एक एम्प्लॉय को, एक सबॉर्डिनेट को ऊपर से एक ही बॉस रूल करे, और यूनिट ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि आपको एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाना है। जो प्लान पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है उसी प्लान पे टिके रहो और आगे बढ़ते रहो। एम क्या हुआ, एम क्या हुआ, इफेक्टिवली एफिशिएंटली उस प्लान को अचीव करना, उस प्लान के पीछे भागना, सब साथ में भागना। ठीक है, क्लियर हुआ। अकॉर्डिंग टू फेयोल, इन ऑर्डर टू अचीव गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेशन एंड फोकस्ड एफर्ट्स। ठीक है, दिस इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। सब ये सब सेम सेम ही लिखा हुआ है, कुछ नई चीज नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, जब आप पीडीएफ शेयर करो पढ़ लेना, इजी एग्जाम्पल है। एक डिफरेंस दिया है मैंने, क्या, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब वन सबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर। इसका मीनिंग क्या है यूनिटी ऑफ कमांड का, कि एक ही सुपीरियर से ऑर्डर आना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। एक हेड, एक ही प्लान होना चाहिए। ठीक है, एम की प्रिवेंट करो ड्यूअल सबॉर्डिनेशन, प्रिवेंट करो कि दो लोग एक बंदे को ऑर्डर ना दें, ताकि ओवरलैप नहीं हो, एफिशिएंसी ज्यादा खराब नहीं हो। यहाँ पे क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी। क्यों, अगर मेरा प्लान एक है, मेरा प्लान एक है तो सब उस प्लान पे स्टिक रहो, कोई उस प्लान से हटकर फालतू काम मत करो कि मेरा एम्प्लॉय वेस्ट हो जाए और ओवरलैप हो जाए सेम सेम काम ही। ठीक है, और क्या है इंप्लीकेशन, क्या है, इट इफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, इट इफेक्ट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली ऑब्वियसली वहां डायरेक्शन है, प्लान है, प्लान पूरा नहीं हुआ तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन खराब हो गया। यहाँ पे तो एक सिर्फ दिव्या को ही दिक्कत हो रही है ना, बराबर है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अगर मैं और थोड़ा तरीके से एक्सप्लेन करूं तो क्या होता है ना यार, कि सबका ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। मतलब अभी तुम स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्टिव है कि सर बीएस की क्लास में 100 out of 100 लाना है, ये इंडिविजुअल का भी वो ऑब्जेक्टिव होगा, सबका मिलकर भी ऑब्जेक्टिव होगा। हमारा भी ऑब्जेक्टिव क्या है, कि इन बच्चों को बिजनेस स्टडीज में 100 out of 100 दे लेकर आना है। बराबर है, तो ये क्या, ये डायरेक्शन है जो अपन दोनों सेम जगह पे चल रहे हैं और मैच भी कर रहे हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखो समझो एक और बात, मस्त, ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ, ऑर्गेनाइजेशन चलता कैसे, ग्रुप ऑफ पीपल्स है, बहुत सारे लोग होते हैं जो मिलके ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। समझ में आती है बात, ठीक है। अब कैसा है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जनरल हर एक बंदे का इंटरेस्ट होता है। जैसे अगर मेरी कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो क्या चाहता है कि मेरी ग्रोथ हो, मेरी ग्रोथ हो, मैं स्टाफ को टच करूं, मैं स्टाफ को टच करूं। और मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं कि यार एम्प्लॉयज को थोड़ा कम पेमेंट करूं। क्यों, क्यों, ताकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन का जो बजट है वो बराबर रहे। मतलब एक बिजनेस के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा होता है ना, पर्टिकुलर बंदे का अपने अपने इंटरेस्ट होता है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है, एप्रिसिएशन इंटरेस्ट होता है, और साथ साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन का भी इंटरेस्ट होता है कि मेरे को टॉप पे पहुंचना है, एक प्लान होता है। तो बोलता है फेवर बाबा, क्या बोलता है कि जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है उसको हमेशा जनरल इंटरेस्ट के अंडर में रखो। क्यों, क्योंकि यार एक इंडिविजुअल पर्सन का इंटरेस्ट और एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट बड़ा कौन हुआ, ऑर्गेनाइजेशन। अगर इंडिविजुअल का नुकसान हुआ तो सह लेंगे, अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हुआ तो कैसे सहेंगे यार, समझ गए। तो सपोज करो, सपोज करो मैं बॉटल्स बनाता हूं, मेरा बॉटल का मैन्युफैक्चरिंग का काम है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, आपका नाम अल्ताफ, अल्ताफ आया मेरे पास में और अल्ताफ बना मेरा प्रोडक्शन मैनेजर। तो अल्ताफ ने मुझे बोला कि सर मुझे तो है ना 50,000 rupees पर मंथ चाहिए कम से कम सैलरी। अब मैं बोला अल्ताफ हमारे यहाँ पे जो जो जनरल इंटरेस्ट है, जो मेरा एम है, वो है बॉटल्स को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करना। अल्ताफ के लिए गोल क्या हुआ, प्रोडक्शन मैनेजर है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करना बॉटल्स का। तो मैंने अल्ताफ को क्या बोला, अल्ताफ एक काम करते हैं, अपन एक काम करते हैं, आप जितना ज्यादा बॉटल्स बनाओगे मैं आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट दूंगा। मतलब अगर आपने पूरे महीने के अंदर 1,000 bottles बना दी तो मैं 50,000 rupees दूंगा। अब इसमें क्या हुआ समझना, जनरल इंटरेस्ट कंपनी का क्या है,
बॉटल्स प्रोड्यूस करना। इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है कि पैसा, बराबर, पैसे के लिए काम कर रहा है, बोला पैसा। अब इसमें क्या हुआ ना, मैंने ये जो रूल अप्लाई किया, मैंने ये जो तरीका यूज किया, इससे मेरा ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो गया और इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी पूरा हो गया। उसको उसका पैसा मिल गया, मुझे मेरा प्रोडक्शन मिल गया। तो बिजनेस वाला जो पेऑल बाबा यही बोलते हैं कि हमेशा इंडिविजुअल इंटरेस्ट को अपने जनरल इंटरेस्ट के अंदर में रखो। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? अपने पढ़ भी लेते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सेट अप टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, एट द सेम टाइम एवरी एम्प्लॉई हैज सम इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर वर्किंग इन अ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फेयर ऑल फॉर ऑल टाइम्स द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। देखो ये गलत नहीं बोल रहा है, ऐसे मत सोचना, ऑफेंसिव फील मत करना कि यार फेयर बाबा गलत गंदा कैसे बोल रहे हैं एम्प्लॉयज के बारे में। वो बोलता है अगर यार एक एम्प्लॉय को नुकसान होता है तो कोई बात नहीं, ये सोचो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है, एम्प्लॉय इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर ना। वट वी शुड फोकस ऑन ऑल द स्टेक होल्डर्स, बराबर है। आगे बढ़ते हैं, he further suggests that managers should try to reconcile individual goals with organization goals. ठीक है, बाकी ये भी बहुत चीजें लिखी हुई है, competitive remuneration देना चाहिए, difference between the perspective of an employee and the management may many times leads a conflict of interest among the two parties. अभी उसको मैंने बोला कि 1000 bottles बनानी है, अगर अल्ताफ बोलता कि सर बनेगा ही नहीं ना, आप मुझे 50,000 दो, मुझे 1,00,000 दो, बनेगा ही नहीं, बराबर है, तो ये क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इस कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में ना अल्ताफ काम करेगा ना मेरा बॉटल्स मैन्युफैक्चर होगा, बराबर है। अच्छा चलो बताओ अभी क्या, अगर ये वॉयलेट हुआ, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट वॉयलेट हुआ तो क्या क्या होगा, कुछ नया चाहिए मुझे, कॉन्फ्लिक्ट होगा। अच्छा मेरी बातें पकड़ रहे हो, ठीक है, सीए बनोगे ना तुम, सीए कर रहे होगे, हाँ नहीं कैंसिल हो गया प्लान, क्यों सीए से बड़ा करेंगे ऐसा, गुड, हाँ हायर करेंगे सीए को, अमेजिंग, वेरी गुड वेरी गुड। और बताओ, चलो कॉन्फ्लिक्ट होगा, और अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रिवेल करेंगे ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट से तो क्या होगा, चेंज किया मैंने मेरे स्टेटमेंट, गोल अचीव नहीं होगा, फिर बोलो कुछ नया बोलो, गोल अचीव नहीं होगा, चलो कोई बने देख लेते, गोल अचीव नहीं होगा। अगला क्या, इट विल क्रिएट, फिर आ गया यार, डिफिकल्ट टू क्रिएट हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, मे लीड टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन परस्यू टू सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयज। अगर एक ही एम्प्लॉय के इंटरेस्ट में काम किया तो बाकी सब एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट में कम काम होगा, तो वो क्या बोलेंगे, हमारे इंटरेस्ट में आप काम नहीं कर रहे हो, हम काम ही नहीं करेंगे, कुल मिलाकर मेरा कहीं ना कहीं रिसोर्स वेस्ट होगा। ठीक है, अगला क्या, इट विल बी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन ड्यू टू क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, बस अपना कोर्स पूरा नहीं होगा, मैं रुक जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट समझो मेरी बात को, मई में एग्जाम है अपना, या तो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूं, अपन जो लिखा हुआ समझा के आगे बढ़े, जैसे तुम लोग बोलो, या तो अपन डीप में जाएंगे, यहां अपन इसको जो लिखा हुआ पढ़ूंगा समझाऊंगा हिंदी में, मतलब आगे बढ़ जाऊंगा, एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे अपन, जैसे तुम लोग बोलो, मुझे तो क्या, मुझे तो पढ़ाना है यार, मुझे तो मजा आता है पढ़ाने में। कंटिन्यू करता हूं, शाबाश। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना इंपॉर्टेंट है एक एम्प्लॉय के लिए, रेम्यूनरेशन बहुत ज्यादा, क्यों, मोटिवेशन, पैसा मिलेगा तभी तो काम करेगा, 10-11 ने काम करेगा पैसा मिलेगा तो, बट फेयर रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का, फेयर रहेगा। फेयर क्या बोलता है, फेयर बोलता है आप एम्प्लॉई को, देखो फेयर गाइडलाइन देता है, वो डिसाइड तो कर पाएगा नहीं कि आपको इतना ही सैलरी देना है किसी को भी, बराबर है, तो फेयर क्या बोलता है कि आप एम्प्लॉयज को जो रेम्यूनरेशन दो ना यार, वो फेयर दो, चीटिंग मत करो एम्प्लॉयज के साथ में। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो ना, तो उसमें से यार 30 रुपए तो कम से कम एम्प्लॉय को दो ही दो, मतलब ये मेंटेलिटी लेके चलो, ऐसा कोई रेशियो नहीं है, बट मैं बता रहा हूं, पेवल बाबा बोलते हैं क्या कि भाई ओवरऑल पे एंड कॉम्पोजिशन शुड बी फेयर बोथ टू एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं बोल रहा कि सिर्फ आप एम्प्लॉय का ही रेम्यूनरेशन पर फोकस करो, अभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतना पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो एम्प्लॉय को मैं देकर ऑर्गेनाइजेशन बंद थोड़ी कराऊंगा, बराबर है। अभी गीता को अपन ने इंस्टा किसको बनाया था, इंस्टाग्राम का हेड दीक्षा को,
दीक्षा को अपन ने इंस्टाग्राम का हेड बनाया था, बराबर। अब दीक्षा को अगर मैं सैलरी देता हूँ किसका सैलरी देता हूँ दीक्षा को मैं 10,000 रुपीज। दीक्षा बोले कि सर पूरा दिन मेरी आंखें इंस्टाग्राम घुसी रहती है, आप समझ नहीं रहे हो मुझे कितना प्रेशर पड़ता है, रात को सोती हूँ डिस्प्ले लेके सोती हूँ, इतनी मेहनत करवा रहे हो, 10,000 में तो काम नहीं होगा। ये क्या हुआ, मैंने फिर रेमुनरेशन नहीं दिया उसको, मैंने फिर रेमुनरेशन नहीं दिया तो वो काम नहीं करेगी ना, वो क्या करेगी, मेरे इंस्टाग्राम से सब लोगों को बोलेगी ब्लॉक कर दो उसको, अकाउंट ही बंद कर दो उसका। बराबर है फेयर रेमुनरेशन नहीं मिलेगा तो इतने पंगे होंगे। अब मुझे बताओ अगर किसी भी अपने एम्प्लॉय को फेयर रेमुनरेशन नहीं दिया तो क्या पंगा होगा। या अपन ने अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, वॉयलेट किया तो क्या होगा, कोई बात नहीं, बोलो 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 बोलो, मोटिवेट नहीं होगा, बराबर, बहुत अच्छा, मोटिवेट नहीं होगा नया कुछ, हाँ क्या रहेगा, लॉयल नहीं रहेगा, ठीक है लॉयल नहीं रहेगा, और कुछ, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होंगे बराबर है, मतलब गोल अचीव नहीं होंगे। ये अच्छा था, एग्जाम में काम है की चीजें बहुत, एग्जाम में अब हाँ अपन ने ऊपर लिख दिया गोल अचीव नहीं होगा, नेक्स्ट लाइन में ही लिख देना। हाँ चलेगा 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 चलेगा, अच्छा वो चल, कोई बात नहीं, ठीक है ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, मे लीड टू डिससेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज सेटिस्फाई नहीं होंगे, और क्या, लेबर टर्नओवर मे बी हाई, लेबर टर्नओवर का मतलब किसी को पता है यहां पे, बराबर, स्टाफिंग रेशियो भी बोलते हैं इसको अपन, मतलब क्या, बहुत सारे एम्प्लॉइज छूटेंगे और मुझे नए नए एम्प्लॉइज अपॉइंट करने पड़ेंगे, इसमें क्या होगा, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, एम्प्लॉय हायर करना कोई इजी काम तो है नहीं, सबको पहले मेल भेजना, सामना इंटरव्यू देना, कोई इंटरव्यू देगा तो सामने कोई ना कोई सीईओ बैठा होगा ना, जब सीईओ सामने बैठा होगा तो उसका टाइम वहां लग रहा है, पढ़ाने पे नहीं लग रहा है, बराबर है, कुल मिला के कहीं ना कहीं रिसोर्स वेस्ट होगा ना यार, बराबर है, और क्या, द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय मे रिड्यूस, वर्क परफॉर्मेंस कम हो जाएगा अगर काम नहीं मिलेगा तो, अगर मैं 10,000 का उनको रेमुनरेशन देता हूं तो इंस्टाग्राम पे आधा घंटा बैठेंगे, बोला सर जितने फॉलोअर्स बढ़ने थे बढ़ गए, अब मैं नहीं कर रही काम, ठीक है, और क्या, द रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट मे नॉट बी कॉन्जेनियल, बराबर है, क्लियर, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कोई मतलब सेंट्रलाइजेशन मतलब एक के पास में पावर होना, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर बांटना, अपन को सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, और साथ में अगर मैं ऊपर से लेकर आऊं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो काफी कंफ्यूजन ही लगता है कि सर वहां पे आप ऐसे बोल रहे हो कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यहां बोल रहे हो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, तो कैसा है ना, जैसे ही सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पिक्चर में आएगा साथ साथ में वो भी आएगा, क्योंकि अगर मैं डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब की बात करूं तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब काम बांटना, डिवीजन ऑफ पावर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन मतलब पूरा का पूरा पावर एक के हाथ में रखना, ठीक है, देखो कैसा होता है ना, मैंने एक तुम्हें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, मैं बॉम्बे में था, मैंने बॉम्बे में महाजन आईब्रा में इंटरनल ऑडिट का ऑडिट किया है, मतलब बहुत सारे, तो वहां पे कैसा हुआ था ना, एक मैनेजर को, प्रोक्योरमेंट मैनेजर, फिक्स्ड असेट प्रोक्योरमेंट मैनेजर था वो, मतलब वो फिक्स्ड असेट प्रोक्योर करता था, उस फिक्स्ड असेट प्रोक्योरमेंट मैनेजर को अथॉरिटी दी गई थी क्या, कि आप मैक्सिमम 1,00,000 रुपीज के, मतलब एग्जाम्पल तो काफी, वो अमाउंट काफी हाई था, 5,000 करोड़ की कंपनी थी, तो अपन एग्जाम्पल कहते हैं कि आपको 1 करोड़ के फिक्स्ड असेट प्रिक्योर करना अलाउड है, तो देखो समझ नहीं क्या हुआ, ये जो टॉप का सीईओ था इसने क्या बोला ना, इसने पावर डिसेंट्रलाइज करी और क्या बोला कि आपको 1,00,000 तक के फिक्स्ड असेट को प्रिक्योर करना अलाउड है, बट अगर आपने इस वैल्यू के ऊपर अगर कोई भी एसेट प्रिक्योर किया तो आपको मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी, तो ये हुआ क्या, उसने पार्टली
डिसेंट्रलाइज किया और पार्टली सेंट्रलाइज रखा। तो बिजनेस के अंदर ये चीज करना बहुत जरूरी है। अगर मैं यहां पे इसको बोलता कि आप अनलिमिटेड पावर तक फिक्स एसेट परचेज कर सकते हो, तो क्या होता यार, वो अंधाधुन फिक्स एसेट परचेज करता, उसको जरूरत हो या नहीं हो वो फिक्स एसेट परचेज करता, बराबर है। तो इसलिए सीईओ ने क्या किया, एक पावर खुद के हाथ में रखी, एक पावर को सेंट्रलाइज रखा और एक पावर को डिसेंट्रलाइज किया। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको दोनों फॉलो करने पड़ेंगे। आप यार पूरी की पूरी पावर नीचे वाले को दे भी नहीं सकते और पूरी पावर अपने हाथ में रख भी नहीं सकते, देखो। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ना अलग अलग तरीके से पावर बढ़ती है। आज अपना रिलायंस है, रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस फ्रेश के अंदर अंबानी आने आते, बात हुई थी ना कि अंबानी आने आते, मतलब अंबानी बॉम्बे बैठे हुए, अंबानी बॉम्बे बैठे हुए, और यहाँ पे प्रिक्योरमेंट भी होता है, सेल्स भी होता है, पैसा बैंक में भी जाता है। तो समझ लो यहाँ पे किस लेवल का डिसेंट्रलाइजेशन दे रखा होगा। अपना हायरार्की होता है ना, बिजनेस का हायरार्की होता है ना, उस बिजनेस के हायरार्की को समझना है एक बार। कि बॉम्बे में वहां बैठा होगा, उसने क्या बोला, इस पूरे रिलायंस फ्रेश का एक मार्ट मैनेजर होगा, वो मार्ट मैनेजर बड़े बड़े डिसीजंस लेगा, उसके नीचे एक प्रिक्योरमेंट मैनेजर होगा, वो प्रिक्योरमेंट मैनेजर परचेस करेगा। तो क्या होगा ना, वो जो मार्ट का हेड होगा उसने कुछ लिमिट दे रखा होगा कि आप प्रिक्योरमेंट वाले अब इतने तक का माल सब्जियां परचेस कर सकते हो, समझ लो। तो ये हो क्या रहा है, ये डिसेंट्रलाइजेशन भी हुआ और सेंट्रलाइजेशन भी हुआ। अब अंबानी तो यहां पे आके पूछता भी है ना कि तुमने कितनी सब्जियां ली, कितनी सब्जियां बेची, उसको मतलब भी नहीं है ना यार, तुम समझ लो। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन है डिपेंड करता ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतना बड़ा डिसेंट्रलाइजेशन, जितना छोटा ऑर्गेनाइजेशन उतना छोटा डिसेंट्रलाइजेशन। और उसके साथ साथ में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बीच में आएगा ही ना। अभी अगर उन्होंने रिलायंस फ्रेश वाले को इतनी अथॉरिटी दी है कि आप एक काम करो, खुद का माल परचेस करो और खुद ही बेचो, तो ये क्या है, ये ऊपर से अथॉरिटी आई है इनके पास में, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, साथ साथ में उतने लेवल की अथॉरिटी भी दी। किस टाइम पे थी, जब डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तब दी। कंफ्यूज मत होना यार, डिफरेंट डिफरेंट चीज है, डिफरेंट डिफरेंट चीज है। बट अगर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है तो वहां पे अथॉरिटी और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बीच में आएगा ही आएगा। एग्जाम में अगर तुमने ये दोनों चीजें कनेक्ट करा दी ना, तो वो बेहोश हो जाएगा सामने वाला, चेक करने वाला बोलेगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो गई, समझ लो। अपन सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन को उससे कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब समझना, ये फिगल बाबा बोलना क्या चाहते हैं बस ये, ठीक है। बोलता क्या, सेंट्रलाइजेशन का मतलब दे रखा है क्या, टू एग्जिस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन वेयर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल। टॉप लेवल के अगर हाथ में पावर है तो सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब बांटा हुआ पावर, ठीक है। पढ़ लेना तुम लोग, ऐसा हर एक चीज रीड नहीं करा रहा हूं, ठीक है। क्या फिर क्या बोलते हैं, देयर इज अ नीड टू बैलेंस सबऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रू सेंट्रलाइजेशन विद मैनेजर्स रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी थ्रू सेंट्रलाइजेशन। ही एम्फेसाइज दैट बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन शुड एग्जिस्ट टुगेदर टू इंश्योर स्मूथ रनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना, ये एग्जाम्पल क्या हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन भी है डिसेंट्रलाइजेशन भी है। इससे क्या होगा ना, जो इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा स्मूथ चलेगी, बराबर। अब ये सब सेम ही चीज लिखी हुई है, द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन पे, अपन ने बात किया था। बोथ द सिचुएशन ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर नॉट हेल्दी फॉर ऑर्गेनाइजेशन। दोनों चीज हेल्दी नहीं है, मैं पूरा डिसेंट्रलाइज कर दूंगा तो रिस्क है, क्या पता वो मिसयूज करे उस अथॉरिटी का जो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और मैं अगर बिल्कुल भी डिसेंट्रलाइज नहीं करता हूं तो काम ही कैसे होगा, बराबर है। चलो स्टार्ट करो, अगर मैं डिसेंट्रलाइजेशन या सेंट्रलाइजेशन वाला फंडा फॉलो ही नहीं करता हूं तो क्या होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, पढ़ा क्या तुम लोगों ने फंक्शनिंग क्या, इफेक्टिव और एफिशिएंसी हैम्पर होगी, बराबर है, बराबर। और रिसोर्सेज वाला पॉइंट आना चाहिए ना इसमें, सोचो एक बार कि अपने जो कॉमन पॉइंट्स ही चार पांच, उसमें से सोचो कौन कौन सा पॉइंट आने चाहिए। रिसोर्सेज वाला पॉइंट मेरे को लगता आना चाहिए, देख लेंगे, वो तो आएगा नहीं आएगा, गोल वाला तो आएगा ही आएगा, डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे तो गोल अचीव नहीं होगा। ऐसे कर लिखेंगे अपन कि गोल इफेक्टिवली एफिशिएंटली नहीं मिलेगा, ऐसे बोलना। एग्जाम में लिखेंगे गोल अचीव ही नहीं होगा, दैट इज लिटिल बिट इज अनफेयर वाली बात। मैं अगर डिसेंट्रलाइज नहीं कर रहा हूं तो अगर मैं पूरा काम कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि गोल अचीव होगा ही नहीं। अपन ऐसे लिखेंगे, अपने टर्म क्या होगा, इफेक्टिव इन एफिशिएंटली नहीं होगा गोल अचीव, ठीक है, ये लिखा होना चाहिए। हे भगवान क्या है,
ओ गोल वाली बात हो गई। मे नॉट, मे देखा ये वर्ड लिखते हैं मे, बहुत डिप्लोमेटिक है यार ये, बहुत डिप्लोमेटिक है, मुंह पर मना नहीं करते हैं। मे नॉट बी अकम्प्लिश प्रॉपरली, ठीक है, मे नॉट फंक्शन स्मूथली, इन सफिशियंट अथॉरिटी, मे लीड टू डिस्ट्रप्शन ऑफ वर्क, द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग मे बी डिलेड। अगर मैं डिसेंट्रलाइजेशन नहीं किया है तो जो डिसीजन जल्दी में होना चाहिए उसके पास में पावर होती होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्केलर चेन लास्ट पढ़ते हैं, स्केलर चेन फिर बंद करेंगे, कोई बात नहीं। या स्केलर चेन से बेटर है ना, ऑर्डर भी इजी है, खत्म ही कर देंगे, कर दें खत्म, नहीं खत्म नहीं करना है, ठीक है। स्केलर चेन मतलब देखो कैसा होता है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइप की एक चेन बनी होती है। मतलब अगर मैं अभी बोलता हूं कि रिलायंस फ्रेश का जो एम्प्लॉई है यहां पे जो बैठा है, क्या वो डायरेक्ट मुकेश अंबानी से बात कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, कभी सोचा है तो उसकी कंपनी में काम कर रहा है, पावर नहीं है, पावर नहीं, और पावर थी किसने? सुपीरियर, जैसा सुपीरियर उसने पावर दिया। तो अगर देखो कैसा होता है ना, फेयोल भाई साहब क्या बोलते हैं, फेयोल भाई साहब ये बोलते हैं कि अगर रिलायंस फ्रेश में नीचे बैठने वाला आदमी जो सिर्फ पैसे लेकर माल दे रहा है उसको डायरेक्ट टॉप लेवल के बंदे से आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मत दो। क्यों? जो ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट बैठा हुआ है उसके फंक्शंस क्या थे? डिसीजन मेक करना, गोल्स बनाना, जो बड़े बड़े लेवल की बातें थी, कॉन्टेक्ट मेंटेन करना। अब वो सब चीजें संभालेगा कि आपके छोटे मोटे पंगे संभालेगा, बराबर है। तो यार ये क्या बोलता है, स्केलर चेन क्या बोलती है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक चेन बननी चाहिए। मतलब अगर एफ वाले बंदे को ए वाले बंदे से बात करनी है या कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो आप पहले ई को पहुंचाओ, ई डी को पहुंचाएगा, डी सी को पहुंचाएगा। हाँ डिले होगा, होगा। तब मुझे बात बताओ, अगर ऐसे हर एक एम्प्लॉई, छोटे छोटे एम्प्लॉई ऊपर पहुंच जाएंगे तो डिसीजन जो बनाना चाहता है खुद के लेवल पे वो भी तो खत्म हो गया, डिस्टर्ब हो जाएगा। कुल मिला के यार ये इस अथॉरिटी से ना क्या पता कोई प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाए, क्या पता प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाए, बराबर है। और क्या सीन है समझना, इसके ये बनाने के बाद में, ये बनाने के बाद में फेयोल जी को ये लगा कि यार एक बात बताओ, सपोज ये जो अपना ई है, ये जो अपना ई है, ये है अपना सेल्स डिपार्टमेंट, ये अपना सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है, ठीक है, और ये जो ओ है ना ये है अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड। अपन नाम से एग्जांपल लेते हैं, ये कौन है, ये है हमारा मिहिर, मिहिर स्पेलिंग सही है क्या, हाँ मिहिर, ठीक है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट की हेड है कौन, मैंने कि उसकी हेड गुनगुन है फाइनेंस डिपार्टमेंट की हेड, क्योंकि उसको फाइनेंस अच्छे से आता है। तो क्या हुआ ना, एक बार इस फाइनेंस डिपार्टमेंट में, गुनगुन के डिपार्टमेंट में लग गई आग, आग लग गई फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और गुनगुन अपनी प्लेस पे नहीं थी, गुनगुन प्लेस पे नहीं थी। अब क्या हुआ ना, मिहिर को अगर गुनगुन तक कोई बात पहुंचानी है तो रूल क्या होगा कि आप पहले यहां बताओ, यहां बताओ, यहां बताओ, इसको बताओ, ये मैनेजर अपना इसको बताएगा, इसको बताएगा, इसको बताएगा, इसको बताएगा, ये स्केलर चेन है, ये स्केलर चेन है। बट फेयोल बाबा ने बोला कि अगर यहां पे आग लग गई, अगर यहां पे आग लग गई और ये यहां पे बोलने गया तो फिर तो आग बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा और सब तहस नहस हो जाएगा। तो ये क्या गया, ये सीधा गया ओ के पास में, कहां पे, गुनगुन, गुनगुन क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट की हेड, और बोला कि बॉस तुम्हारे डिपार्टमेंट के अंदर आग लग चुकी है, भाग के जाओ सही करो। तो कभी अगर इमरजेंसी वाला कांड हुआ या अगर इमरजेंसी वाला काम हुआ या अगर अपन को लगता है कि डिसीजन मेक करने में देरी हो जाएगी, जो अपने पॉइंट बोला अभी, उसके अंदर एक इमरजेंसी पाथ बना रखा है जिसको गैंग प्लैंक का नाम दिया। तो फेयोल बाबा क्या बोलते हैं कि स्केलर चेन तो होना ही चाहिए, उसके बीच में तुम एक गैंग प्लान जैसी रूट और बना दो जिससे आपका ओवरऑल गोल भी अचीव हो जाएगा, आपका ये वाला जो गोल है ये भी अचीव हो जाएगा, साथ साथ में, साथ साथ में अगर कोई इमरजेंसी हुई, अगर कोई इमरजेंसी हुई तो वो भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो क्या होता है, समझना, कभी कभार ऐसा भी होता है कि सेल्स डिपार्टमेंट वाले को एकदम से कोई बड़ा ऑर्डर आ गया। अब सेल्स डिपार्टमेंट का जो नीचे वर्कर है
उसके पास में कोई बड़ा ऑर्डर आया, ये काम इसको एग्जाम्पल ऐसे नहीं लेते, काम करता है ये, काम करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, जो जो माल आया था, जो गुड्स आए थे ना, वो खराब गुड्स थे, अब वर्कर, अगर वर्कर ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है और जो उसको समझ में आ गया कि वो खराब गुड्स है, ठीक है, तो ये चेन क्या बोलती है कि पहले वर्कर बॉस आप जाओ अपने सुपीरियर सुपरवाइजर के पास में, वो सुपरवाइजर जाएगा किसके पास में, उसके मैनेजर के पास में, और जो उसका मैनेजर हो डिपार्टमेंट का मैनेजर, वो कोई ना कोई एक्शन लेगा। तो उसमें क्या हुआ, अगर मैं इतना लंबा रूट अपनाऊंगा तो उसमें क्या होगा, मेरा जो ये माल था, ये जो खराब गुड्स है, ये मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो जाएंगे और एंड प्रोडक्ट खराब बन जाएगा। इससे क्या होगा, मेरा रिसोर्स वेस्ट होगा, उसके साथ में जो मैंने माल प्रिक्योर किया वो भी खराब हो गया, फिनिश गुड्स भी प्रोडक्ट खराब हो गया, मेरे कितने सारे रिसोर्सेज खराब हो जाएंगे। तो गेम प्लान बोलता ही ये है कि आपको लगता है कि इस मोमेंट पे कोई डिसीजन लेना चाहिए तो आप ले लो, आप सीधा ही प्रोडक्शन वाले को, अभी सेल्स वाले को, सेल्स वाले ने चीज नोटिस कर ली या प्रिक्योरमेंट वाले ने चीज नोटिस कर ली तो सीधा क्या बोलेगा, इसको बंद करो, वो डिसीजन का वेट नहीं करेगा, वो जाएगा नहीं सब पूरा रूट फॉलो करके, उसी तो डिसीजन ले लेगा, बराबर है। ये अपना हुआ स्केलर चेन, जरूरी है कि नहीं है, और जरूरी है और सपोज कर फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, फॉलो नहीं किया तो क्या होगा बताओ, चलो छोड़ो उसमें क्या लिखा था वैसे भी, स्केलर चेन में फॉलो नहीं हो तो क्या होगा, मैं देख लेता हूं, वैसे स्टार्ट हो गया। डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा, थोड़ा और थोड़ा टेक्निकल भाषा में यार, थोड़ी सी ट्राई करते हैं, क्या रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे, वो तो है आप लोग कुछ गोल्स अचीव हो जाएंगे, डिसीजन लेने में डिले हो जाएगा, और कुछ अरे कुछ दिमाग में क्या बोलता है, एडवर्स इफेक्ट ऑन वर्क एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट होगा क्यों, अगर ऊपर वाले को बार बार परेशान करोगे तो उसकी एफिशिएंसी भी खराब होगी, इफेक्टिवनेस भी खराब होगी, ठीक है, और क्या, मे नॉट लीड टू अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स, और क्या, विल बी डिफिकल्ट टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन, द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन मे बी डिस्टर्बेड लीडिंग टू कायस एंड कंफ्यूजन, सिंपल सिंपल अपन सब पढ़ चुके हैं। एक लास्ट ये वाला बस खत्म कर देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, कुछ नहीं है, पढ़ चुके हैं अपन, याद अपने टूल्स वाला एग्जांपल लिया था, मैं रिपेयर शॉप खोला था, रिपेयर किया और वहीं पे छोड़ दिया टूल्स, याद आया वाला एग्जांपल, तो अगर मैंने वहीं पे छोड़ दिया और मैंने चीजें ऑर्डर में नहीं रखी तो क्या होगा, मेरे को मेरा एफिशिएंसी खराब हो गया, मेरा इफेक्टिवनेस खराब हो गया, अगर सामने वाला बंदा वेट कर रहा है गाड़ी रिपेयर करने के लिए बहुत देर से तो घर चले जाएगा, बराबर, समझना, ये जो ऑर्डर है ना इसका मतलब कमांड वाला ऑर्डर नहीं है यार, ये ऑर्डरली मैनेजमेंट वाला ऑर्डर है, जो चीजें ऑर्डरली मैनेज होनी चाहिए वो वाला ऑर्डर है ये, ठीक है, इसकी मुझे बता दो क्या, प्लेस ऑफ एवरीथिंग, हर चीज हर जगह पे सही तरह से रहनी चाहिए, जो मुझे ढूंढने में डिफिकल्टी नहीं हो और मेरा गोल अचीव हो जाए, चलो बताओ इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, अगर ये मैंने ऑर्डर वाली चीज फॉलो नहीं करी, अगर मैंने बिजनेस के अंदर चीजों को ऑर्डर पे नहीं रखा, जिस जगह पे जो चीज होनी चाहिए वैसे नहीं रखा तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, रिपरकशंस क्या क्या है, एफिशिएंसी से काम नहीं होगा, इफेक्टिवनेस से काम नहीं होगा, गोल्स अचीव नहीं होंगे, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस, टाइम वेस्ट होगा, टाइम इज अ रिसोर्स, स्पेशल रिसोर्सेस, और कुछ इस, ये चार तो तुम्हारे रट चुके हैं मुझे पता है, जो तुम्हें सब में लगा क्या हो गए, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, अकेला आदमी है वही ऑर्डर जगह नहीं रख रहा, ठीक है, सही है, क्या एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस दोनों वर्ड तो आ गए अपने, ओहो गोल्स भी आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ओह वेस्टेज ऑफ टाइम, लो रिसोर्सेस, इस बार तुमने सबके सब करेक्ट बोले हैं, चाहिए अपन को एग्जाम के अंदर, ठीक है, चलो बाकी अपन कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, उसको स्टॉप करना प्लीज, स्टॉप ही करना यार।